वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का अघोर रूप, उनसे जुड़ी कथा और शिव जी से जुड़े कुछ प्रश्न जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं और उसके जवाब मैं आज दूंगा। भगवान शिव को संसार के सभी मंगल का मूल माना जाता है। यजुर्वेद के अंदर उनकी स्तुति कुछ इस प्रकार से की गई है, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस वैदिक ऋचा के अंदर परमात्मा को शिव, शंकर और शंभु, इन तीन नामों से संबोधित किया गया है। शिव का नाम है कल्याणकारी, शंभु का नाम है मंगलदायक और शंकर का अर्थ है आनंद का स्तोत्र। भगवान शिव के पांच मुख है वेदों के अनुसार। उनका ऊर्ध्व मुख है जो है ईशान, उनका जो पश्चिम मुख है वो है सद्योजात, उनका उत्तर मुख है वो है वामदेव, उनका पूर्व मुख तत्पुरुष और उनका दक्षिण मुख है वो है अघोर। भगवान शिव के ये पांचों मुख ब्रह्मांड के पंच महाभूत यानी कि पांच तत्वों के स्वामी हैं। इस तरह से भगवान सदाशिव, भगवान शिव महेश्वर यानी कि परमपिता परब्रह्म परमात्मा है। भगवान शिव का जो अघोर रूप है उससे जुड़ी कथा स्कंद पुराण के अंदर मिलती है, क्योंकि भगवान शिव का अघोर रूप, उनका दक्षिण मुख, वो एक रहस्यमय उनका मुख है। सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मार्ग वो अघोर मार्ग है और उसको वाम मार्ग भी कहा जाता है। और उसकी उत्पत्ति की कथा हमारे उसके प्रमाण कोई नहीं है। अघोर पंथ की उत्पत्ति भगवान शिव के अघोर मुख से ही हुई है, उनके अघोर रूप से ही हुई है, लेकिन उनकी उत्पत्ति के कोई पुरता प्रमाण नहीं मिलता है कि अघोर पंथ की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी। और वाम मार्ग सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मार्ग माना जाता है। स्कंद पुराण के अंदर भगवान शिव के अघोर रूप से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार माता जगदम्बा को एक बार स्वप्न आया और उस स्वप्न के अंदर वे भगवान शिव यानी कि अपने पति का श्रृंगार भस्म और अस्थियों से कर रही थी। जब सुबह उनका स्वप्न टूटा तब उन्होंने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को बुलाया और कार्तिकेय को बुलाकर माता जगदम्बा ने उनको आज्ञा दी कि वो पांच मृत पक्षियों की अस्थियां उनको लाकर दे, जिससे वो आज अपने पति यानी कि सदाशिव का श्रृंगार करेगी। उसके बाद स्कंद गए और पांच मृत पक्षियों की अस्थियां ले आए। उसके बाद माता जगदम्बा ने विश्वकर्मा को याद किया। विश्वकर्मा माता जगदम्बा के सामने उपस्थित हुए और माता जगदम्बा ने विश्वकर्मा को एक आज्ञा दी कि वो कुछ चीजों का निर्माण करे माता जगदम्बा की आज्ञा अनुसार। उसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार अस्थियों और भस्म से करने के लिए माता जगदम्बा ने मोर की हड्डी से विश्वकर्मा के पास त्रिशूल बनवाया। मोर की हड्डी से त्रिशूल, कौवे की हड्डी से डमरू, बाज की जो हड्डी होती है बाज की हड्डी से कंडा, और उसके बाद मोर की जो हड्डी है मोर की हड्डी से त्रिशूल, और उसके बाद जो हंस होता है हंस की हड्डी से उन्होंने भगवान शिव के लिए कुंडल बनवाया। लेकिन जब कुंडल बनाने के लिए उनकी हड्डी जब विश्वकर्मा ने निचोड़ी तब उनसे दो बूंदों की उत्पत्ति हुई, दो जल के बूंद, और उससे पारिजात के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भगवान शिव ने पारिजात का ये जो वृक्ष है उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से अघोर पंथ से जुड़ी यानी कि भगवान शिव का जो अघोर रूप है उससे जुड़ी कथा ये स्कंद पुराण में मिलती है कि पक्षियों की अस्थियां माता जगदम्बा ने मंगवाई और उससे भगवान शिव का उन्होंने श्रृंगार किया और साथ में भस्म से भगवान शिव का उन्होंने श्रृंगार किया। उसके बाद कुछ प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है जिसका मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहला एक प्रश्न पूछा था कि शिवजी के धनुष का नाम क्या है, तो भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक। और दूसरा प्रश्न है कि उसका आविष्कार किसने किया था, तो भगवान शिव ने स्वयं उनके इस धनुष का आविष्कार किया था जिसका नाम था पिनाक और जिसका उपयोग उन्होंने त्रिपुर के संहार के समय किया था।
उसके बाद है शिव जी के चक्र का नाम क्या था। भगवान शिव जी का भी चक्र था जिसका नाम था भवरेंदु। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जो उनका चक्र है उनका नाम सुदर्शन चक्र है और दूसरा उनका नाम है कांता। माँ दुर्गा का भी सुदर्शन चक्र है जो माँ दुर्गा के सुदर्शन चक्र का नाम है मृत्युमंजरी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र कहाँ से मिला। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, वही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को प्रदान किया, माँ दुर्गा ने वही सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम को प्रदान किया और भगवान परशुराम ने वही सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को प्रदान किया। उसके बाद थे एक क्वेश्चन था कि संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का प्रारंभ किसने किया था, तो भगवान शिव ने ही किया था। उसके बाद है शिवजी के सबसे पहले शिष्य कौन थे। शिवजी के सबसे पहले शिष्य सप्तर्षि थे, हमारे सात जो ऋषि है वही भगवान शिव के सबसे पहले शिष्य थे। उस और एक प्रश्न था कि शिवजी के प्रमुख गण कौन कौन से हैं, तो भगवान शिव के प्रमुख गण काल भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, भ्रुगरेटी, नंदी, घंटाकर्ण, शैल, गोकर्ण, ये सब भगवान शिव के मुख्य उनके गण हैं। तो धन्यवाद, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।